सॉरी मैं लेट हो गई। इट्स ओके, मतलब एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी आ गया। मेरी आदत है, मैं हर जगह थोड़ा जल्दी पहुंच जाता हूं। मैं तो स्लो साइकिलिंग रेस में भी फिनिशिंग लाइन पर थोड़ा जल्दी पहुंच जाता हूं। एक्चुअली मुझे लगा था हाथों का ध्यान रखना पड़ता है, मेरा दिल तो पहले से ही साफ है। झाटू भाई वो एक सुट्टा दोन। Even you started smoking? हाँ वो अब एग्जाम्स का प्रेशर ही इतना है तो मैं दिन में दो चैप्टर मतलब दो सिगरेट पी लेता हूँ और एग्जाम टाइम में एक शेयरिंग के साथ। थैंक यू। सुनो ये तुम्हारे दिन की पहली और आखिरी सिगरेट है, ठीक है? थैंक्स जतिन। चलो गेट आउट। बहुत अच्छा यार, भगवान करे तुम्हारे जैसा दोस्त सबको मिले और बॉयफ्रेंड सिर्फ एक को। यू आर अ वन वुमन। हाँ ठीक है निकलो। अपने हाथों से अपने दोस्त को उसकी ज़िंदगी ख़राब करने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे मेरा सुट्टा ही कुर्बान क्यों ना करना पड़े। पर तुमने अपने हाथों से उसे सिगरेट दे दी। मैं क्विट करना चाहता हूँ इसलिए मैं रखता ही नहीं। अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी भी ख़राब होने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे मेरा दोस्त ही कुर्बान क्यों ना करना पड़े। तुम्हारे बारे में लोग जैसा बोलते हैं वैसे तुम हो नहीं। दरअसल मैं जालिम लोशन हूँ। मेरा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, बस पैकेजिंग थोड़ी खराब है। वैसे बोलते क्या मेरे बारे में लोग? अगर पैसे ना हो तो झाटू मारो, कुछ मत देना। फट घपा घप, सारे बोलो टपा, सारे बोलो टपा। अबे अपनी माँ की शादी का कार्ड पड़ रहा है क्या? फक, कल से मिड सेम एग्जाम है। आपने नोटिस बोर्ड नहीं देखा? तूने नोटिस बोर्ड क्यों देखा? अरे इसे क्रश करने के लिए पेपर चाहिए था तो नोटिस बोर्ड ही उखाड़ लाया। फक, अब क्या करेंगे? गांव में हमारे आगे बड़े से बड़ा आदमी बैठ नहीं पाता था। वो क्या है कि हमारी साइकिल में बीच वाला रॉड नहीं था ना, लेकिन उस दिन हमें इस बात का पता चल गया कि आदमी बैठता वही है जहां उसे सहारा मिलता। इसीलिए हमने ये तय किया है कि हम किसी भी परीक्षा में नहीं बैठेंगे, बल्कि हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि कल के एग्जाम के अलावा फिफ्थ सेमेस्टर का हर एक एग्जाम कैंसिल करवाया जाए। हम विद्रोह करेंगे कि जब हमने साल भर कुछ पढ़ा ही नहीं तो ये कागज और ये पेंसिलें बर्बाद करके आखिर हम क्यों पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। और इस आंदोलन का नाम होगा ग्रीन, ग्रीन रेवोल्यूशन। ये कैसे सोच लेते हैं शेर दिलो याने? सोचते ही तो नहीं है भैया। भाई यार निकलो यार, यहाँ से नहीं खिंचवानी फोटो। भाई दारू तो पी ले। अरे ओ जाटू, नॉन लाइक से सब बता दिया मैं। सही है यार भाई, मूड ठीक दिया मेरा। प्लीज यार प्लीज निकलो यहाँ से। ओ जाटू तो क्यूटू बन गया। भाई भाई इतना ही बुरा लग रहा था तो एक बार हमारे पास आके भाई बोल देता। एक बार तो बोल दे भाई। अरे भाई 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 देख, भाई 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 बहुत सही लगा इतने साथ। सेम टू यू, सेम टू यू। मुझसे इनको क्या अच्छा लगा? भाई भाई हाँ सालो, तुम्हारे पैर पकड़ूंगा तब निकलो यार यहाँ से प्लीज। झाटू कुतिया क्यों बन रहे? हूँ मैं तुम्हारी कुतिया ही हूँ। तुम लोग भी तो इसीलिए आए हो ना, चार अच्छी बातें कर ली, अपनी प्लेसमेंट की कंपनियां गिनवा ली, फीमेल इमेजिनरी कोवर्कर डिस्कस कर ली, सैलरी पे चार चुटकुले मारे, निकल लिया था मेरा क्या? एंचो पूरा हॉस्टल तेरा ही है। हां अब तो जीशा भी बन गया, मिसयूज कर पावर में। क्या दौड़ भाई। हां फ्लॉन्ट किन के सामने करूंगा, इनके सामने? मैं भाई ये स्पर्म थे ना तब से अपना स्पर्म वेस्ट कर रहे हैं यहां पर। हां यार होता होगा यार, शेर रहता होगा अकेला, हम लोग सुअर है और सुअर भाई झुंड में अच्छे लगते हैं, यहाँ इस हॉस्टल की कीचड़ में खेलते हुए। सालो हिला हिला के मुंह पे जो पिंपल आता है ना, सात दिन बाद चला जाता है, तो उसे ही मिस करते हो तुम लोग क्या? तो हम 7 साल हो गए यार। ए ए ए हेलो भाई, थैंक यू बोलने आए थे, बस भैंस की टी-शर्ट छपाई है। अबे अबे भाई भाई ये रो मत, रो मत, छोड़ आ जा आ जा। अबे अबे भाई क्या कर रहा है? भाई खड़ा हो रहा है।
सच बता, तू लास्ट टाइम हग कब किया था किसी को? कड़ा हो गया यार। कर रहा है भाई पागल। भाई इससे पहले कुछ और डाले मुंह में, इसको तुम लोग सुट्टा दिला दो भाई। यहाँ से बहन के क्या हुआ? ये हॉस्टल फीस का फॉर्म भरवा रहा है तुमसे, हैं? हम दोनों मिलकर तेरे 1.5 लाख रुपए भरते बहन। अरे वो मेरे फोन की स्क्रीन टूटी हुई है ना, तो ओटीपी का लास्ट डिजिट ना दिखता है ना देखने का मन करता है। साले थोड़ी देर में थारी गेंद भी ऐसी टूटेगी ना, किसी को दे पाएगा ना किसी का लेने का मन करेगा। अरे यार पर तुम दोनों ने तो सिखाया था। अरे तुझे सिखावे के उसी मार ले में है? इस हिसाब से तो भाई इसने रिप्रोडक्शन पढ़ने के बाद बायो वाले का मुंह में ले लिया होगा। जरूर लिया होगा बहन। इस चंपानेर की लगान में और नहीं भर पाऊंगा भाई। मैं भी नहीं भर रहा भाई। भाई मैं खुद की इज्जत नहीं करता हूँ यार, पर इस बहन के साथ रह रहे क्यों संकित की इज्जत करने लग गया हूँ मैं? संत है वो आदमी जो इज्जत से दम पिसाच को भुगत रहा था। देख चिराग एक बात मैं तने बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, अगर आज के बाद थारे मुँह से उधारी का ऊ भी निकला ना तो ऐसी तोड़ूंगा मुँह से ऊ के अलावा कुछ निकलेगा नहीं। चुप। सुन बे ओ उधार के अजगर, साले दूर रहियो मुझसे, तोड़ दूंगा तेरी। अरे बट